कसं वाटतं तुम्हाला गाडीवर बसून? इस गाडी चालू घ्या आता. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अरुदास में आपका फिर से स्वागत है. नई दिन नई सैर. आज हम जा रहे हैं कार्ला केव्स, जो कि पुणे शहर से कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पे है. नई दिन की नई सैर पे आप सबका हमारे साथ चलने का आमंत्रण रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पुणे से कार्ला केव्स करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे है. आपको ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे का रास्ता लेना होगा और लोनावला से 11 किलोमीटर पहले आपको एकवीरा रोड पे दाएं मुड़ना होगा, जो कि आपको कार्ला केव्स तक ले जाएगी. तो गाइस, हम लोग पहुंचे हैं देहू फाटा. यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया क्योंकि हमारे कुछ राइडर्स अभी आ रहे थे. तो अभी सब लोग आ चुके हैं और हम लोग अभी निकलने वाले हैं. अभी हम लोग कार्ला केव के लिए चढ़ रहे हैं. सुबह सुबह बहुत यार क्या हवा चल रही है. और सुबह सुबह हम लोग निकले थे, अंधेरे में निकले थे. आप लोगों ने देखा, हम लोग करीबन अभी 5 लोग हैं जो कार्ला केव्स के लिए राइड पे आए हैं. रास्ता तो बहुत अच्छा है और सर्दी बहुत लग रही है. लगता है यहाँ पे भी लग स्पॉट फूल पहन के आना पड़ेगा. आपका क्या ख्याल है अरुणिमा जी? चले भी ऊपर चलते हैं. ऊपर चल के कार्ला केव्स क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम. नीचे से चढ़ के हम लोग आ गए ऊपर की तरफ. यहाँ आने के बाद दो बहुत ही सुंदर चीज़ें देखने के लिए हैं. एक है एकवीरा आई का मंदिर और एक तरफ है कार्ला केव्स. तो एकवीरा मंदिर का ऐसा है कि एकवीरा देवी, इनको नेपाल और भारत में बहुत माना जाता है और ये मछुआ को बहुत मानते हैं. आज मंदिर में तो हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन कार्ला केव्स चल के देखते हैं कि कैसा है. हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कार्ला नामक एक छोटे से गांव के अंदर स्थित कार्ला केव्स. ये जो गुफाएं हैं करीब 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई थी. यहाँ ये जो आप हॉल देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं चैतन्य गृह.
जो कि बुद्धिस्ट धर्म में प्रार्थना गृह में भी बताया जा सकता है। गुफाओं के अंदर जाते ही सबसे पहले नजर पड़ती है चैत्य गृह पर। ये चैत्य भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। चैत्य में स्थित स्तूप को घिरे हुए सारे स्तंभों के ऊपर अतुल्य नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में हाथी, घोड़े, नर, बाघ, नारी सबकी नक्काशी है। ये जो स्तंभ है वो उस समय के राजाओं के दान से बनाई गई थी। यहाँ पे एक स्तंभ पे ग्रीक भाषा लिखी गई है जो कि ग्रीक राजा के दान से बनाई गई थी। गुफाओं की छत लकड़ी से सजाई गई हैं, जो कि केवल इन्हीं गुफाओं में देखने को मिलती है। अभी हम लोग केव्स के ऊपर जा रहे हैं। बहुत अंधेरा सा है लेकिन बहुत एडवेंचरस लग रहा है। वैसे यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आने के लिए आपको 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। पहले आप वो हमने जो पिछला वाला केव्स दिखाया आपको वहाँ एंट्री मिलेगा, उसके बाद इस केव्स में एंट्री मिलेगा ऊपर आने के लिए। अभी हम लोग चैतन्य गृह से बाहर निकल के ऊपरी गुफा में आए हुए हैं। गुफा यहाँ पहले तो बहुत बड़े बड़े गुफाएं थे लेकिन अभी पर्यटकों के लिए बहुत कुछ छोटी सी चीज़ें रखी गई हैं देखने के लिए। तो गुफा से निकल के हम जैसे ऊपर आए ये ऐसा लग रहा है कि प्राचीन काल में कुछ कमरे हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क बैठ के मेडिटेशन किया करते थे। तो थोड़ा सा अंधेरा है, पता नहीं कितना आपको मैं दिखा पाऊँगा। मतलब छोटे छोटे कमरे हैं, आप अगर देखेंगे इन छोटे छोटे कमरों में बैठ के वो मेडिटेशन किया करते थे। कारीगरी देखिए, उस वक्त का सीलिंग आप अगर देखोगे या उस वक्त का फ्लोर आप अगर देखोगे, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग आज के जीवन में रह के उस टाइम में वापस चले गए। जैसा सुबह हमने आपको कहा कि हम लोग आज कार्ला केव से भी आ रहे हैं, तो एक्साइटमेंट ये था कि हम सिर्फ घूमने नहीं आ रहे हैं, चार जावा बाइक एकदम रास्ते से रोर करते करते आई है। तो इन चार जावा बाइक ओनर से मैं आपको मिलाऊंगा। ये है गणेश जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गणेश जी कैसा लग रहा है आपको जावा चला के, ये बताओ। ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। इमरान भाई और महबूजीन मैम और ये निकम भाई। हेलो। आज का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हमने आज एक केव घूमा, एक मंदिर भी देखा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जावा बाइक पे आए हैं, हमने आपको जावा के बाइकर से भी मिलाया रास्ते में। सुबह कैसे मौसम कैसा था आज अरुणिमा? इतनी ठंडी की क्या बोलूं, हाथ पैर जम गए थे। बहुत बहुत सर्दी लग रही थी, मैं तो ऐसा कांप रहा था। लेकिन ये जैकेट पहना है, इसके अंदर थर्मल है और उसके अलावा ग्लव्स वगैरह पहने थे, हेलमेट पहने थे, फिर भी एकदम हड्डी जम गई हमारी, इतनी ठंडी थी। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज टू गुड। आने के लिए करीबन 2 घंटे लगे, 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आने जाने के लिए आपको पर्सनल व्हीकल से आना होगा और पर्सनल व्हीकल से आइए, बाइक या कार दोनों। और बारिश का मौसम बहुत बाइक और बारिश का मौसम बहुत सही है आने के लिए। चलिए इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।